नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करण लेक पर विकास कार्यों को लेकर एक मीटिंग की। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। यहां यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में आम लोगों की जन सुनवाई भी की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पेट्रोल डीजल अपने देश में उपलब्ध नहीं होता, दूसरे देशों से अपने देश में आता है, उस पर ड्यूटीज लगती है और दाम बाजार पर निर्भर होते हैं, कभी दाम बढ़ते हैं तो कभी दाम कम होते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार की नजर है और जनता की जेब पर इसका ज्यादा असर ना पड़े, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे जो रेवेन्यू आता है वो जनता के हित में ही खर्च होता है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हरियाणा में टैक्स कम है। किसान आंदोलन महापंचायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों बिल किसानों के लिए लाभदायक है। सुनिए करण लेक पर बैठक में के दौरान सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। पेंडिंग पड़ा था जो अपनी करण लेक है, इसका विकास करने के नाते, इसको रिजुवेनेट करने के नाते से कुछ सुझाव समय समय आते थे। तो एक तो मोटा प्रारूप हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के सेक्रेटरी श्री एस एल राय और टूरिज्म के हमारे सेक्रेटरी हैं अमरीश सिन्हा, उनके साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके प्लान यहाँ का बनाया और उस प्लान में उसी का आज एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन था। सारे उसका एक अच्छा, मुझे लगता है टूरिज्म के नाते से ये लेता स्वरूप निकलेगा। लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च ही बताया गया है। तो इसमें जो भी टूरिस्ट इस नाते से, चाहे करनाल के हों, करनाल से बाहर के हों, हाईवे के लोग हों, उनके लिए अट्रैक्शन कुछ बने, उसके कुछ प्रपोजल बनाए हैं। एक साइकिल ट्रैक बनेगा, एक दो फाउंटेन अंदर लगने की बात है, पानी लगातार इसमें बना रहे, चाहे जेलन से ये जो हमारी WJC नहर से, क्योंकि इसमें पानी साल भर चलता नहीं है, और जो बाकी समय रहेगा तो ऑगमेंटेशन कनाल से भी इसमें पानी जो है लगातार सप्लाई होता रहे, और यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए सब प्रकार के रिफ्रेशमेंट के, सब प्रकार के कुछ दुकानों का भी एक प्रपोजल है ताकि लोग मार्केटिंग अपनी कर सकें। और इसको किस प्रकार से, ये जो साइड में अपना कौन सा ही रेस्टोरेंट है, ओसिस के साथ इसको नहर के ऊपर कोई व्यवस्था बना करके उसका जोड़ा जाए, और इसी प्रकार हाईवे के दूसरी साइड में भी पूर्व की 4.5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ भी कोई एक लोगों के आते जाते ठहरते समय कोई एक स्थान विकसित किया जाए, ताकि हाईवे के दूसरी साइड सर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय भी लोगों को कोई ना कोई सुविधा मिले। उस प्रकार का एक कम्पोजिट प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट ये बनाने का विषय आया है, और मैं समझता हूँ अच्छा प्रोजेक्ट एक साल के अंदर खड़ा हो जाए। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही है, यानी कि सरकार से उम्मीद कर रही है, किस तरीके से देखा जाए? ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये अधिकांश इसमें से इम्पोर्ट होता है, और इम्पोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज को मिला करके, और मार्केट के हवाले सारी चीज़ें हैं, डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4-5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के, और कभी डाउन भी गया था, और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ से लिया जाता है, वो जनता के हित में ही आता है काम। अगर इसमें से मानो रेवेन्यू कल को वैट अथवा एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो पैसा जनता के जो काम आने वाला है वो काम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें संतुलन बैठाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा इसके ऊपर नज़र रखती है, और ये जो कि केंद्रीय नीति से ही सारा चलता है। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम, हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे, तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रहना पड़ता है, उसमें से स्टेट को भी एक चल रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है, 22 SDO हरियाणा के हैं, बाकी जिलों के हैं, राज्यों के। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसका असली चेहरा ये सामने आया है, जैसे
क्यों कह रहा हूँ असली चेहरा सामने आया है कि ये जो कहते हैं कि हाँ इतने कम लोग आए, इन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया है, कुल मिलाकर के 200 लोगों में से और 128-30 लोग वो हरियाणा के हैं। अभी अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरीज में से हैं, रिजर्व कैटेगरी को तो ये अपना मानते ही नहीं है, यानी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है वो 100% हरियाणा से है और 100% हरियाणा अनुसूचित जाति को अपना नहीं मानते, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपना नहीं मानते। इनकी असली चेहरा ये सामने आ गया है जो केवल एक बात को लेकर उसको बार बार उछालते हैं, एक बात। दूसरा, ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लोग लिए जाते हैं, ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लिए जाते हैं, तो ऑल इंडिया टेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें एक योग्य व्यक्तियों को आगे लाएं। उसमें हमने कहीं नहीं कहा कि हरियाणा के लोग कम आने चाहिए, बाकी ज़्यादा रहते हैं, सारे देश के लोगों में से लोग लिए जाते हैं, उसके अंदर हमारा रिजर्वेशन का अलग से कोटा है, वो पूरे के पूरे हरियाणा के लिए जाते हैं। इसलिए अगर हिसाब लगाना तो टोटल का लगाएं, लगभग 200 लोगों में से 100 से ऊपर लगभग 130 लोग हरियाणा के हैं, एकदम एग्जैक्ट संख्या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 70 के आसपास ही बाहर के हैं। हरियाणा में किस तरह देखते हैं किसान लगातार आंदोलन जो चल रहा है सर, लगातार हरियाणा के अंदर? हाँ देखिए, लंबा एक विषय चल गया है। अब चूंकि हम धैर्य पूर्वक इन सब चीजों को देख रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं हर मोर्चे पर कि तीनों जो बिल बने हुए हैं, इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा। और चूंकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीज़ों को विड्रा करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप इसमें बताइए क्या गलत है, जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के, जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं। इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय, किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते इस प्रकार से देखते हैं। आखिर नहीं तो अन्यथा क्या कारण है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। कौन सा ये लॉजिक इनके पास है कि हाँ इस पार्टी के लोग उनको नहीं आएंगे, बाकी पार्टी को लोग आते रहेंगे? इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा किया है, लोकतंत्र को चैलेंज दिया है कि किसी भी कारण से न तो किसान हित में है, न जनता के हित में है, न किसी पार्टी के हित में है। कुल मिलाकर के मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए, लोकतंत्र के ऊपर हमारा देश, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इनको मजबूत करना ये हर किसी का काम है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता का कोई वर्ग हो। लोकतंत्र को अगर बचा कर रखेंगे तो हम बहुत अच्छे प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब दोबारा से प्रयास किए जाएंगे, देखिए क्योंकि जमीन लेकर के उसका विस्तार करने की बात थी, उसको 3000 फुट से 5000 फुट का जो विषय था वो हमें जमीन चौके लेनी थी ई भूमि के माध्यम से। अभी दो दिन पहले ही मीटिंग करके उनसे जमीन के रेट फाइनल हो गए हैं, 15 दिन के अंदर उनके जमीन के पैसे उनको मिल जाएंगे, जमीन मिल जाएगी और उसके बाद एयरपोर्ट का जो काम। नगर निगम में भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे? जो ड्यूस सर्टिफिकेट का मामला सामने आया जिसमें रजिस्ट्रियां हो गई और मामला भी दर्ज हो गया है, ध्यान में है, मामला दर्ज हुआ है, जब दर्ज हुआ तो उसके ऊपर पूरे जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे उनको किसी को बख्शा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में आम लोगों की जन सुनवाई की और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त करनाल तथा चंडीगढ़ मुख्यालय के विभाग अध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान करीब 25 लोगों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मिले और अपनी निजी व सामूहिक समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने शिकायतों का निवारण करते हुए प्ले स्कूल एसोसिएशन द्वारा रिहायशी क्षेत्र में प्ले स्कूल खोले जाने के संबंध में मुख्यालय के अधिकारियों से बात करके इस मामले का समाधान करने का भरोसा दिया। इसी प्रकार सेक्टर 16 में वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षित प्लाटों पर आवासीय ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भी उपायुक्त को निर्देश दिए। सुनिए सीएम मनोहर लाल ने जन समस्याओं को सुनते हुए क्या कुछ कहा। कुछ सामाजिक काम होते हैं, उन्हें लोग मिलते हैं, अब सब लोगों का अपना अपना अलग अलग प्रकार होता है,
कुछ संस्थागत तरीके से किसी की डिमांड होती है, कोई ग्रांट की डिमांड होती है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कुछ ट्रांसफर्स हैं, लेकिन मोटे रूप से जितने विषय होते हैं जो हाथों हाथ हल करने के होते हैं हाथ हाथ कर देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको चंडीगढ़ भेजने होते हैं चंडीगढ़ भेजते हैं, कुछ डीसी लेवल पर देते हैं, लेकिन मोटे रूप से आज 25-26 लोगों से जो बातचीत हुई है उनकी समस्याओं का। आंगनबाड़ी में कोरोना ने जो काम किया उन्होंने बात रखी अपनी कुछ आपके सामने? देखिए उन्होंने अपना एक डिमांड लेटर दिया है, वो डिपार्टमेंट में दे देंगे और डिपार्टमेंट देने के बाद जैसा वहाँ बुला करके उनसे बातचीत करके करने के बाद अगर उनका कुछ बनता होगा तो मिलेगा, और अगर पहले से उनको दे दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी हमने पर्याप्त एक बार 3,000 रुपये एक साथ उनका बढ़ाया था, तो उस नाते से कोई हरियाणा में आंगनबाड़ी और चाहे हमारी आशा वर्कर है पूरे देश में सब लोगों से ज़्यादा पैसा मिला। सर एक नगर निगम में जो घोटाला हुआ लोगों में एक नाराजगी है कि पहले भी हुए घोटालों में आज तक अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक फर्जी गेट पास घोटाला हुआ था पिछले दिनों, वहाँ पर मंडी सेक्रेटरी के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, धान घोटाला हुआ, एक आटा घोटाला हुआ था जिसमें काफ़ी आटा बरामद हुआ था। जितने आप बता रहे हैं सबके ऊपर हमारा ध्यान है, सबके ऊपर संज्ञान भी लिया गया है, सबको जो दोषी है उनको पकड़ेंगे भी सी, उनको सजा भी मिलेगी, इस बार FIR करा दी है उसका इन्वेस्टिगेशन। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।